वेलकम टू द चैनल क्रिप्टो लर्न एंड अर्न। आज हम लोग जो है लेक्चर 7 की तरफ चलेंगे। आपके जो क्रिप्टो वाले मास्टर जी, आज आपको ये सिखाएंगे कि केक स्टेकिंग पर कैसे लगाएंगे हम। तो पैनकेक स्वैप जो है, ये पैनकेक स्वैप बेसिकली एक वेबसाइट है और एक एक्सचेंज भी है डिसेंट्रलाइज, जिसमें आप इनका अपना जो एक कॉइन जो है क्रिप्टो है वो है केक। ये लोग ये कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं कहते, हाँ हम ये बात करते हैं कि ये है क्या चीज़। वर्चुअल माइनिंग होती है, एक होती है आपकी क्रिप्टो माइनिंग जो आप लोग रिग्स के थ्रू करते हो, ग्राफिक कार्ड्स लगाते हो, एक वो माइनिंग है, एक ये है वर्चुअल माइनिंग। इसमें आप अगर $1,000 के केक लेके रख देते हो स्टेकिंग के ऊपर, तो आपको मंथली उसमें से रेवेन्यू मिलता रहता है $100, $120, वो केक के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा आपको केक्स भी मिलते रहते हैं। मीन कि अगर $1,000 के आपने 500 केक्स रखे हुए हैं, तो वो एक मंथ के बाद 550 हो गए होंगे और साथ में आपको BNB भी आपके बढ़ते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि ये करना कैसे है। हमने सबसे पहले तो मेरे वो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे थे कि उनसे मेटा मास्क में मिनिमम 0.1 BNB जो है ना जा रहा है और उससे ज़्यादा बनेंस से सेंड नहीं हो पा रहा, तो उनके लिए आज मैंने एक जो है ना टेंशन मुकाबू प्रोग्राम निकाल लिया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह हम $2 भी भेज सकते हैं मेटामास्क के अंदर, हम मतलब $2 के BNB भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और ये बेल आइकन होता है इसको ट्रिंग करेंगे तो ये बज पड़ेगा, ठीक है, और इससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलें हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा है बाइनेंस, इसमें हम मार्केट्स में जाते हैं। बाइनेंस में सबसे पहले तो हमने यहाँ आके TRX ट्रॉन बाय करना है, ट्रॉन, ठीक है, TRX जो होता है। और आपने जो है दूसरा काम जो करना है, सबसे पहले काम ये करना है आपने FaucetPay.io, इसके ऊपर जो है ना आपने अपना अकाउंट बना लेना है। कुछ भी नहीं है, जीमेल डालोगे और उसमें डालोगे पासवर्ड डालोगे, आपका ये जीमेल अकाउंट बन जाएगा FaucetPay के ऊपर। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे देता हूँ, तो आपने ये अकाउंट बना लेना है, ठीक है। सब फिर उसके बाद आपने ये करना है, आपने जाना है अपने बाइनेंस में, आपने यहाँ सर्च करना है TRX ट्रॉन, ठीक है, TRX स्पॉट मार्केट में फिएट USDT में, ये पड़ा TRX, ठीक है। अब जो बाइनेंस का रूल है, मिनिमम आप बाय कर सकते हैं $12 का, ठीक है, तो हम मिनिमम अपनी बाइंग करते हैं $12 के TRX बाय करते हैं। अब हमने जाना है इसको लेके मेटामास्क में, क्योंकि हमें केक बाय करने हैं, तो मेटामास्क में केक बाय करने के लिए आपके पास BNB ज़रूर होना चाहिए। तो मेरे मेटामास्क में इस टाइम पड़े हुए हैं, चल भाई खुल जा, मेरे मेटामास्क में जिस टाइम माशाल्लाह पड़े हुए हैं वो हैं कोई $8 और बाकी ये दूसरे जो हैं टोकन्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो हमने अब यहाँ पे जो है केक बाय करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास BNB, क्योंकि जो केक हैं वो BNB के पेयर में आपने बाय करने हैं पैन केक स्वैप के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ से TRX बाय करते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी वैल्यू अमाउंट कम है, मतलब वो कहते हैं कि हम लोग कम जो है इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं केक्स में, मैंने कि $10, $15, और जो BNB हैं वो बैलेंस है मिनिमम सेंड होते हैं $25, $30 के। तो हम यहाँ एक अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे कि मैं 12 नहीं, ये मेरे ख्याल से 100 जो होगा ये हो जाएंगे, नहीं होगा, चलो 150 ट्रॉन्स $10 के, यहाँ भी यहीं पे भाई 12 लिख लो, सबसे आसान काम है। $12 की हमने जो है ना TRX बाई कर ली है, मार्केट रेट पे बाई करेंगे TRX कंफर्म, ठीक है जी, मैंने TRX ले ली है। मैं जाऊँगा अपने वॉलेट में, और यहाँ से जो है हम वॉलेट से हम ट्रांसफ़र करेंगे TRX अपने FaucetPay के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल डैशबोर्ड पर जाएंगे हम, डैशबोर्ड
यहाँ जो है जो इस ये भी एक एक्सचेंज नहीं कह सकते आप, इसको कह सकते हैं वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग फ्री के जो है ना LTC कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स जो है ना वो एक दौर में मिलते थे, मैं तब लेता भी था, लेकिन अब जो है वो कॉइन्स नहीं मिल रहे फ्री वाले। तो अभी हमने इसमें करना है डिपॉजिट TRX, तो डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे इधर और यहाँ देखेंगे TRX का एड्रेस किधर है। ये TRX का एड्रेस ट्रॉन का कॉपी कर लिया, वापस वॉलेट में आए। एक तो मेरा आज इंटरनेट ऐसा खपा हुआ ना, दीजिए मेरे वॉलेट में जो है ना फिर ये TRX पड़े हैं, हमने करने हैं TRX अपने विड्रॉ। विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो है हम आके जो यहाँ इस फॉसिट पे से ये एड्रेस कॉपी किया था ये हम पे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। वो कहते हैं जी मिनिमम 2 TRX हम कर सकते हैं और फी लगेगी 1 TRX। ठीक है, हम कहते हैं मेरे पास जितने भी हैं TRX सारे के सारे, ये क्या करें, प्लीज एंटर रिसिपिएंट्स एड्रेस, यही तो है भाई। क्या हो गया तुझे, तबीयत ठीक नहीं है, कॉपी दोबारा कर लेते हैं यहाँ से हम ट्रॉन, और ये विड्रॉ में जाके एंटर। हाँ तो ठीक है ना, रेसिपिएंट एड्रेस ही है ना यार, अमाउंट हमने करने हैं मैक्सिमम जो है TRX हमारे पास और वो है 170। ठीक है, अच्छा अब ये जो है ना आपको मैंने दिखाया था कि हमने कहा मिनिमम भी कर सकते हैं, तो मैं जो हूँ ना यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 71 TRX जाना मैं अभी लेके जा रहा हूँ, मतलब कि बहुत ही वो $1-2 होगा सिंपल। तो विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू, यहाँ मुझे पासवर्ड डालेंगे मैं अपना, कोड वगैरह जो भी मुझे मिलेगा 406790, 406790। ले जी मैंने अपने कोड सबमिट कर दिए हैं, कंप्लीट। मैक्सिमम 5 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं, 5 मिनट्स जो है ना ये सारा का सारा प्रोसेस होने में। लेकिन ये हमारी जो है कंप्लीट हो गई है जो हमने ट्रांजैक्शन की थी। अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट पे पे, ये देखें ये 70 ड्रॉन मैंने जो वो किए थे वो यहाँ मेरे पास पहुँच गए हैं। तो सिंपली अब मैं जाऊँगा यहाँ से ट्रेड में कॉइन्स वेब में, अब हम चेंज करेंगे इन ड्रॉन्स को सिंपली अपने BNB में। ये ट्रॉन सेलेक्ट किया, यहाँ से BNB सेलेक्ट किया और मैक्सिमम ट्रॉन्स कर देंगे, मेक एक्सचेंज करेंगे, सक्सेसफुल चेंज हो गया BNB में। सिंपली अब जाऊँगा मैं डैशबोर्ड और विड्रॉ करने, हमने ये वाले जो हैं किस में करेंगे, मेटामास्क में करेंगे विड्रॉ। यहाँ से आके आपने करना है BNB बैलेंस, BNB ये 5 मिनट्स वाला कीजिएगा इसे, ये कोई फीस नहीं लगती इसके ऊपर। सिंपली आपने यहाँ से मेटामास्क का जो है आपका वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है, विड्रॉल एड्रेस में विड्रॉल अमाउंट ऑल प्लेस विड्रॉल, प्रोसेसिंग में लग गया मेरा। नहीं जी हमारी ये वाली ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई है, अब हम चलते हैं अपने मेटामास्क में। ये वाली थी ना 18 जून को भी मैंने जो ट्रांजेक्शन की है 0.01 की, और ये देखें ये मेरे BNB यहाँ बढ़ गए हैं। चलें अब हम चलते हैं अपने पैनकेक्स ऐप पे। ये तरीका था यहाँ तक कि आपने मिनिमम BNB कैसे डालने हैं मेटामास्क में, सिंपली पैनकेक्स ऐप पे आएंगे और ट्रेड में आना है, एक्सचेंज में आना है, वॉलेट कनेक्ट करना है इधर से अपना। सिंपली आपने यहाँ कलेक्ट करेंसी करनी है, केक, ये केक पड़े हुए हैं कहाँ गए भाई, अभी तो नज़र ये रहे। चलें सर्च करें केक, ये केक आ गया, केक पे क्लिक करेंगे हम, लेते हैं एक केक। वो कहते हैं जी एक केक के लिए आपके पैसे कोई नहीं, तो सिंपली हम कोई केक बाय नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ कि ये करना कैसे है सब कुछ। तो मैं मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कितने केक आते हैं। जरूर आधा केक आ रहा है, मैं स्वैप करूँगा यहाँ से, सिंपली कन्फर्म स्वैप करना है। वो पूछ रहा है ट्रांजेक्शन, उसको आप यहाँ से एग्री करेंगे, चल भाई हम मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने वो अभी केक की स्टेकिंग के लिए इतने केक्स नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि स्टेकिंग करनी कैसे है। तो आप यहाँ पे बेशक बस 10 वो करें, एक जो है ना के
यहाँ पे वैल्यू दे नहीं रहा। 0.45 BNB पर केक। तो सिंपली आपने जब केक आपके पास आ जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, आपने फिर कहाँ जाना है, पूल्स में, पूल्स में जाना है जी। अब भी आप आ गए हैं पूल्स के अंदर, ठीक है। पूल्स में अब दो ऑप्शन हैं, दो ऑप्शंस चेकिंग के हैं, एक ऑटो है एक मैनुअल है। मैनुअल के अंदर ये होता है कि आपने 100 केक स्टेकिंग पे लगाए, वो 1 महीने के बाद आपके 115 केक हो गए। लेकिन इसके अंदर आपको फ़ायदा नहीं है मैनुअल के अंदर। ऑटो में फ़ायदा ये है, जब वो 101 केक हो जाएगा ना, तो वो 101 वाला जो एक केक नया बना है वो भी ऑटो स्टेकिंग पे लग जाएगा। मतलब कि पहले जो आपका 100 केक बन रहे थे और 1 महीने के बाद 15 केक मिल रहे थे, तो वो अब आपको ऑटो के अंदर, वो जैसे एक केक बनेगा वो भी स्टेकिंग पे लग जाएगा, 2 केक लग जाएंगे वो भी स्टेकिंग पे, मतलब जो केक बन रहे हैं आपके 100 केकों से, तो वो भी 102 स्टेकिंग पे लग जाएंगे, फिर 103, 115, यूँ। तो यूँ आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, लेकिन इसकी हल्की सी फ़ीस लगती है। फ़ीस बेहतर यह है कि आप फ़ीस थोड़ी सी पे करके ये वाला ऑटो करें। ऑटो में सिंपल आपने जाके अनेबल करना है इसको यहाँ से, कंफर्म करेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट अनेबल्ड हो गया है। सिंपल स्टेक पे क्लिक करेंगे, मेरे पास कोई केक्स नहीं है इसलिए वो कुछ जवाब नहीं देगा आगे से। अब वो कह रहा है बाय केक। सिंपली आपने जो है, अगर आपके पास बाय ऑलरेडी होंगे, यहाँ वो शो करेगा, स्टेकिंग पे लगाना या आपकी स्टेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, मतलब केक बनना शुरू हो जाएंगे। आपको मिनिमम 1 दिन के बाद वो कुछ, वो आपकी डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे, आप कर कितने हैं। अगर आप $1000 कर रहे हैं, $1000 के केक्स कर रहे हैं, तो वो आपको 1 दिन के बाद भी आपका रेवेन्यू दिखाना शुरू कर देगा। वो आपको दिखाएगा आपके होम पे, यहाँ होम पे आ जाएंगे आप। बस ये ध्यान रखना है, वॉलेट कनेक्ट रखना है आपने अपना, तो यहाँ पे आपको बताएगा आपके वॉलेट में कितने केक हैं और आपने कितने हार्वेस्ट कर लिए हैं, आपने केक कितने बना लिए हैं। ये इतनी सी कहानी है पैन केक स्वैप की, केक स्टेकिंग पे लगाने की। आज का जो केक का रेट है वो $15 है, और हमेशा जब भी आपने पूल में जाके जो करना है वो हमेशा करने हैं ऑटो स्टेकिंग। ये अब आपको बता रहा है कि अगर आप ये इतने लगाएंगे तो आपको इतने जो है केक की आपको बचत होगी। बाकी ये जो कहते हैं स्टेक सही नहीं है, फलाना है, ढींगा भींगा है, वो अपने मौलवानों से पूछ लें, मौलवियों से, वो जो बेहतर समझे मौलवी वो वैसे ही कर लें। बाकी अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे, और अल्लाह भला करे उसका। दूसरा जो है ना, वो बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएँ। आज के लेक्चर में मुझे उम्मीद है कि किसी कोई मसला हुआ हो तो कमेंट में पूछे। जिशान भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपने मुझे जो है ना एक कई रखा कर दे, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए मैंने बनाई है। मौला खुश रखे आपको, और ये कहानी है पैनकेक स्वैप की। अच्छा, जैसे पैनकेक है इस तरह बेकरी स्वैप भी है। बेकरी स्वैप पे बेकरी का जो कॉइन्स हैं वो वाले स्टेकिंग पे लगते हैं। अब आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे आके आप कोई और लगा लें स्वैपिंग पे, नहीं। केक पैनकेक पे केक सबसे ज़्यादा आपको जो है आपको बैक दे रहा है, मतलब पैसे, मतलब आपको ज़्यादा आपको अर्निंग सिर्फ केक देगा और कोई नहीं देगा। मैनुअल केक पे 75% मिल रहा है, ऑटो केक पे 109% मिल रहा है। ठीक है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें। अल्लाह हाफ़िज़।